शहरी जीवन से दूर इन पहाड़ों के सन्नाटे से प्यार हो गया है। इनकी सादगी देख दिल को इनका सुरूर हो गया है। बस जाऊं वहां, बस अब यही मेरा जी करता है। देखिए कितना खूब अंधेरा है और मैं अभी जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। सारे पहुँच गए हैं। अगर फॉग लाइट से टाइम पर नहीं होती तो यार क्या ही हालत होती। अभी आपको दिखाता हूँ फॉग लाइट्स के बिना कैसे लगता है। वो देखो वहाँ पे सामने सारे ना पहाड़ है, सूरज ढल चुका है। ये शाम के 7:18 हो रहे हैं और हम बस पहुँचने ही वाले हैं और एक दो मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये एग्जैक्ट जो लोकेशन है ये शुगर खल है जो कि रानी खेत में ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अगर फॉग लाइट नहीं होती तो कैसा दिखता। ये देखो बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी भाई। और ये तो अभी फिर भी घर वगैरह दिख गए हैं, वरना तो यार लाइट का नामो निशान नहीं था। अब मैं ऑन करता हूँ तो आप देखिए कैसे उजाला सा एकदम हो गया है। और टेम्परेचर इस टाइम 20 हो रहा है। 20 लग नहीं रहा, 20 से नीचे लग रहा है और रात को एक्सपेक्टेड जो है वो 11 तक शायद से जाए। तो कपड़े हमने सारे गर्मियों वाले ही कैरी करे हुए हैं, फिर भी मैंने एक स्पेयर में यार फुल स्लीव्स की शर्ट वगैरह और रख ली थी और एक लोअर मैंने रख लिया था, सो दैट कोई भी ऐसी नीड आए तो हम अटके ना उस दौरान। वो देखिए नीचे, ये आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे दिखता है, हम कितनी हाइट पे आ गए हैं। वो देखो गाइस कितनी नीचे देखो। तो चलिए चलें होटल की तरफ अब अपने। तो गाइस ये है हमारे होम स्टे का रास्ता, जा रहे हैं हम। ये खतरनाक सा जो रास्ता जा रहा है ना यही है। दिल्ली में पहुंच गया हूं जो हमारी अकोमोडेशन थी होस्टी रागा। और ये सारी हमारी बाइक्स खड़ी हुई हैं। ये आ गए विवेक भैया हमारे और बहुत ही सेट लोकेशन है। बाकी तो असल लोकेशन का पता चलेगा वो सुबह पता चलेगा। बैग बैग उतार लिए हैं, बहुत ही सारा सामान है और अब मैं नीचे चल रहा हूँ कॉटेज की तरफ। तो आपको नीचे चल के दिखाता हूँ कैसा लगता है, रूम्स वगैरह कैसे। ये देखो पहले ही इन्होंने गाने लगा दिए। चलो नीचे चलते हैं, इससे पहले कॉपीराइट क्लेम गानों का आ जाए, नीचे चलते हैं। तो गाइस कुछ ऐसी सी प्रॉपर्टी है शानदार सी, अब मैं आपको रूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये है रूम, बड़ा शानदार सा ही रूम है। सारे हमने बैग्स वैग्स रख के रेडी हो गए हैं, फ्रेशन अप हो गए। मैं थोड़ा लेट हो गया था मैं भी। हाँ ये देखो ये देखो ये देखो, बोलो थोड़ा ले क्या करें, ब्लॉगिंग भी तो करनी। तेरी वजह से 13 में पहुंचे हम। 13 सुबह 7 जान चलेंगे ये इल्जाम लगाने वालों को। मतलब 7 का रास्ता तूने 12 का बना लिया मैंने। अच्छा वाह रे वाह, वाह रे वाह सरकार। ये हमारी मर्जी चलती रहती है। हाँ अभी सारे आओ ना नीचे, ये पहले इंट्रोड्यूस करवा दूं। ये रहे हमारे गौरव भैया। हाँ ये इनका प्यार से नाम बता दिया जाए, बता दो क्या है, आप ही खुद बताएं अपनी जुबानी। बोलो जुबा केसरी। मेरा नाम हाँ ये रहे हमारे सर्किट भैया। बात यहाँ पे मेरी करी जा रही है तो आप भी हाय बोल दीजिए। ये हमारे मुन्ना भाई है कि नहीं। इम्पोर्टेंट बात ऐसे 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 करने का नहीं, इम्पोर्टेंट बात बोलने का नहीं है ना, बोलेगा तो भेद खोलेगा। चाय पीते हैं यहाँ की पहाड़ों वाली चाय, कैसी लगती है स्वाद देखते हैं। चाय तो गैस एक नंबर है, बहुत ही स्वाद चाय पीते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो हम फाइनली
सेटल हो गए थे, रात को बहुत एंजॉय करा, बाकी लोगों से आपकी मुलाकात करानी रह गई थी, तो अभी नीचे चलेंगे, मुलाकात करवाएंगे। और हम कहाँ रुके हैं ये मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ, पहले आप व्यू एंजॉय कीजिए। चलते हैं रूम ये रहा। वाह, ये हमारा विला है और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार पहाड़। यहाँ से कुछ ऐसा सा व्यू है और नीचे हमारी अकोमोडेशन ऐसी सी दिखती है, यहाँ से कुछ ऐसा सा नज़ारा दिख रहा है। ये रे गौरव भैया बात कर रहे हैं, इस साइड लेके चलता हूँ। वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लोग कुछ कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह कर रहे हैं और साथ ही साथ ही ये देखो यार यहाँ पे भी साथ में एक और विला है। तो यहाँ से ये एंट्री है और मैं आपको बाइक्स की तरफ लेके चलता हूँ। ये हम सब की बाइक्स खड़ी हुई हैं, यहाँ पे ही हमने खरीदी थी खड़ी, तो बहुत ही अच्छी सी जगह है, पार्किंग भी मिल गई थी। और ये देखो कितना फ्लफी सा प्यारा सा डॉगी है यहाँ पे। गाइस यहाँ का बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है, ठंड थी रात को काफ़ी सोने में लगी तो। और साथ ही साथ जो हम रुके हैं वो हम रुके हैं मचखाली गांव है यहाँ पे रानीखेत के पास ही रोजविल कॉटेज में। तो हमने एक ना अकोमोडेशन, प्राइवेट अकोमोडेशन थी वो बुक कर ली थी 3 दिन के लिए, तो फिर यहीं पे हम सारे रुक गए। तो यहाँ पे आपको खाना वाना सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी यार किसी थर्ड पर्सन की। तो आप अपने तरीके से जैसे आप यहाँ पे इंजॉय करना चाहते हैं, जितने दिन रुकना चाहते हैं उस हिसाब से आप रुक सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी जगह है। रानीखेत कैंट एरिया में एंटर करने के बाद करीबन करीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव है होस्टी रागा की ओर, और बाहर से प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है और कहने की क्या बात, अंदर से भी बहुत ही स्पेशियस है। सो हम 7 लोगों के हिसाब से हमने प्रॉपर्टी को बुक करा था, जो कि 20,000 की टोटल प्रॉपर्टी बुक हुई थी और करीबन करीबन 2,850 रुपये पर हेड का हमारा एक्सपेंस आया था इस प्रॉपर्टी को लेके। नरेश भैया और ये रहे हमारे अमित जी। हाँ जी यही वाली है, यही वाली है। तो फ्रूट्स वगैरह खाना वाना लेने जाने हैं। हो गया रेडी, तो चलो नीचे मिलते हैं फिर हम, आप लोग लेके आओ। तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं, सबसे मिलते हैं, क्या कर रहे हैं बाकी उसे मिलवाते हैं आपको। चलिए तो गाइस चलिए नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। ये देखो पहले ही हंसना शुरू कर दिया इन्होंने, क्या कर रहे हो भाई। वाह जी वाह, कुकिंग हो रही है। रोहित जी से हाय, अरुण भैया से हाय। हाँ अबे पार्किंग को ढूंढे पहले भाई, यहाँ सारे काम कर रहे हैं, हाँ वो तू यहाँ पे आता है। कंटेंट चाहिए बीटी कर, बी नेचुरल लाइक दिस ओनली। तो यहाँ पे रोहित जी और अरुण भैया ऑमलेट वगैरह बना रहे हैं, अभी खाते हैं ऑमलेट। नरेश भैया और अमित जी गए हुए हैं सामान लाने, तो वो लेके आते हैं, तो फिर सारे शुरू करेंगे इकट्ठे। आइए आइए आइए, गौरव भैया भी आ गए, फ्री हो गए, खा पी के ही ना हो गए, तो शुरू करो ना। ये रहा ऑमलेट रोहित जी, बहुत ही गजब का ऑमलेट बनाया यार आपने। दो एक और बाइट लेते हैं। शुरू करते एक और बाइट लेते हैं। लाजवाब, सबकी फोटो तो बनती है। हाँ यार यहाँ पे तो गाइज ये है ग्राउंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर से कुछ इतना बढ़िया सा सुंदर सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो अभी हम चल रहे हैं विभव भैया के साथ, क्योंकि उनको ना बाइक के हैंडल बार राइजर्स देखने थे बाइक पे, जो अरुण भैया और मैंने इंस्टॉल करवाए थे। बाइक चलाते चलाते सुबह 10 बजे के करीबन आसपास विभव भैया और मैं इस सुंदर सी लोकेशन को देख के रुक गए थे, क्योंकि दोनों ही तरफ पेड़ थे और बीच में सड़क थी, तो हमारा मन कर गया कि हम सड़क के किनारे बैठते हैं और बातें करते हैं। तो हम फिर रुक गए बीच में, तो विभव भैया ने अपना एक्सपीरियंस भी बताया, मैंने भी बातें करी, तो काफ़ी ही अच्छा लगा बातें करके आपस में ऐसे व्यू के साथ। बचपन में विभव भैया बताया करते हैं वो इधर बहुत ही आते थे, क्योंकि उनके दादाजी वगैरह का घर यहीं पर ही होता था, तो उनकी काफ़ी यादें भी ताज़ा हुई। फिर हमने बाइक उठाई और हम आगे चल दिए। तो आगे क्या होता है कि ना, आगे बाइक चला रहे थे तो एकदम से ढलान आई, यहाँ पे भैया ने न्यूट्रल में बाइक कर दी थी और एकदम से बाइक ना तेज़ हो गई। तो मैंने कहा यार क्या हो गया ये एकदम से, और बिल्कुल ना दिल दुख 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 करने लगा, क्योंकि ढलान पे एकदम से बाइक की स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। चलते चलते हमें ये सुंदर से पहाड़ दिखे और पहाड़ों पे ये सुंदर से पेड़ और पौधे टीक के हमें देखने को मिले, तो बहुत ही अच्छा लगने लगा यार। और साथ ही साथ पता नहीं माइक को क्या हो गया था, ट्रिप पे काम करना बंद कर दिया था, तो इसलिए रिकॉर्डिंग करनी पड़ी मेरे को यार।
तो थोड़ी ही देर बाद विभव भैया और मैं वापस पहुँचे, और वापस आते ही हमारा डिसाइड हुआ सबका कि हम लोग रानीखेत एक्सप्लोर करने निकलेंगे, और सब फटाक से रेडी हुए, सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर ही लिया था। तो अब यहाँ पे बाहर आए हम और बाइक्स को प्री हीट करने लगे, साफ वाफ करने लगे, तो हमने डिसाइड करा तो चलो चलते हैं। और विभव भैया का ये डिसाइड हुआ कि वो वापस से दिल्ली निकलेंगे, क्योंकि कुछ उनकी ऑफिशियल वर्क कमिटमेंट आ गई थी, तो उन्होंने कहा चलो मैं निकलता हूँ, थोड़ी ही देर आपके साथ घूमूंगा। और मैंने डिसाइड करा कि मैं अरुण भैया के साथ राइड करूँगा, क्योंकि मैंने अपनी बाइक नहीं निकाली, व्लॉग्स वगैरह बनाने थे इसी चक्कर में। तो फिर हम निकले आगे एक्सप्लोर करने रानीखेत को। तो लो जी, हम पूछते पुछाते और गूगल आंटी को फॉलो करते हुए रानीखेत टाउन से करीबन करीबन 4 से 5 किलोमीटर दूर इस शांत सी और सुंदर सी जगह पे आ गए। तो सड़कें काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पे उबड़ खाबड़ थी, और कई कई जगह यहाँ पे सड़कें ठीक भी थी, तो ड्राइव करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसपास कोई भी नहीं है, सिर्फ हमारी ही बाइक से और हमारा ही ग्रुप राइड कर रहा है यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाता हूँ, नरेश भैया ने यहाँ पे ना पोल देखा और एकदम से रुक गए, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में खुराफात चढ़ी थी, इनको ये पोल दिखाना, तो ये पोल के ऊपर कहते मैं चढ़ूंगा। तो अभी ना थोड़ी देर में सारे रुक गए, बारी बारी से देखने लग गए ये क्या करेंगे अब। तो अभी ना गौरव भैया ने क्या करा, गौरव भैया भी उतर गए, देखने लग गए ये नरेश भैया को क्या करने की खुराफात सूझी है। तो वो पोल चेक कर रहे हैं कि कहीं मजबूत तो है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं चढ़ूंगा ऊपर, और टेस्ट करा गौरव भैया ने भी। और क्योंकि ये क्या था कि ना एंड पे टच कर रहा था, बिल्कुल जो पहाड़ी थी उस पर गिरा हुआ था, तो हम नरेश भैया देख रहे थे हमसे उससे पूछने लग गए चढ़ूँ, फिर एकदम से चढ़ ही गए ऊपर। अब ये देखना अभी कैसे चढ़ेंगे, ये देखो कैसे चढ़ गए एकदम से। अब ना ये बीच में धीरे धीरे जाने की करेंगे, पोल हिल रहा था, हम सबको भी ना लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो बारी बारी सारे बोलने लग गए आराम आराम से चढ़ो, आराम आराम से चढ़ो। और क्योंकि ना पोल हिलता हुआ आपको भी दिख ही रहा होगा वीडियो में, अब ये वापस नीचे आ गए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हिलना शुरू हो गया था पोल। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद हम लोग आगे वापस चल पड़े, और आप ये लोकेशन देख सकते हैं कितनी ही सुंदर जगह है, और कोई भी यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऐसी सुंदर लोकेशंस और ऐसी सुंदर पहाड़ियाँ और सड़कें आपको ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलेंगी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, और वहाँ पर बहुत ही शांत सी वाइब्स आ रही थी। ट्रिप की शुरुआत करने से पहले हमने लोकलाइट से यहाँ पे पूछा था कि आसपास कोई झरना या वाटरफॉल वगैरह है, तो उनके कहने पर हम इस लोकेशन पर आ गए थे। उन्होंने कहा था आपको इसी रूट पे झरना ज़रूर मिलेगा। तो आप देख ही सकते हैं हमें ये कि मंदिर दिखे हैं, शिव जी के मंदिर हैं ये, तो यहाँ पे हमें बहता हुआ साथ में पानी भी दिखा, तो हम इसलिए यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि हमें ज़रूर यकीन था कि आगे कहीं ना कहीं तो झरना ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। हम सब रुक के बीच में सोच विचार करने लग गए कि नीचे जाया जाए या नहीं जाया जाए, मंदिर तो दर्शन करने के लिए जाना था बट पानी का फ्लो हमें इतना तेज़ नहीं दिखा था नीचे, तो इसलिए फिर हमने कहा यार लोकेशन भी अच्छी है, लोकेशन भी बहुत सुंदर है, क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और अच्छी सी एक फ़ोटोशूट बाइक्स के और हम सबके साथ करी जाए। तो अभी बारी बारी से सब ने अपनी बाइक्स को ना लाइन में लगाना शुरू कर दिया था। यहाँ पे विभव भैया अमित जी की मदद करने लग गए थे उनकी बाइक को लाइन में लगाने के लिए, और फिर विभव भैया से बात हुई तो उन्होंने डिसाइड करा कि ना मैं दिल्ली वापस निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से करीबन करीबन दिल्ली का जो रास्ता था वो 8 से 12 घंटे का रास्ता था, तो इसलिए फिर वो कहते हैं यार मैं ना ज़्यादा देर नहीं वेट करूँगा और मैं वापस बैक टू द पवेलियन हो जाऊँगा। और इसी के साथ साथ हुआ हमारा फोटो सेशन ओवर। यहाँ पे अपनी मैं बिल्लो रानी को मिस कर रहा था क्योंकि वो तो थी अकोमोडेशन पे खड़ी हुई पार्किंग में, वहाँ पे कोई नहीं यार चलता है। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, खाली सड़कें और लोकेशन, यार पीछे जो पेड़ दिख रहे थे ना बहुत ही गजब लग रहे थे, बहुत ही चार चांद लगा रहे थे इस वीडियो में। फ़ोटोशूट ख़त्म करने के बाद हम सभी फाइनली मंदिर दर्शन करने के लिए आगे बढ़े, और अब हम चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, तो चलिए चलते हैं।
तो बारी बारी से सबने अपना नंबर लगाया मत्था टेकने के लिए। अभी अरुण भैया गए, फिर बाद में अमित जी, नरेश भैया, गौरव भैया और रोहित जी लास्ट में गए, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में मैं ही मत्था टेकने के लिए गया। जैसे ही मैंने अंदर मंदिर में एंटर करा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई भी पुजारी या कोई भी पंडित नहीं है, तो हम अकेले अकेले सारे मंदिर में दर्शन करने के लिए आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीरानियत सी पहले ही थी, और ये बाद में हमें पता चला कि पंडित जी भी नहीं है। तो शायद ही इसलिए पंडित जी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही कम आते होंगे और आसपास भी पॉपुलेशन नहीं थी। भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर से हम बाहर निकले, शूज़ वूज़ पहने और हाथ धोने के लिए निकले, तो पता चला यहाँ पे पानी का वाक्य में ही फ्लो जो था वो बहुत ही कम था, ना के बराबर ही आप लगा के चलें तो ये थोड़ा बहुत पानी आ रहा था, वो पीछे से जितना भी पानी नेचुरल है उसमें वहाँ पे पाइप डाली हुई थी तो वहाँ से पानी निकल रहा था। तो हमने हाथ वगैरह अपने धोए और फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करने के लिए निकले। बाकी आसपास आप देख ही सकते हैं यार कितना अच्छा सा लग रहा है, और बिल्कुल ही शांत सा वातावरण था और बीच में मंदिर, तो ऐसी जगहों पर दर्शन करने का भगवान का मज़े ही अलग आ जाते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर आप एकदम से शांत हो जाते हैं।